हमारे बॉडी को विटामिन्स, कैल्शियम इन चीजों के साथ प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है। इसीलिए रोज के खाने में भी ऐसा खाना खाते हैं जिससे बॉडी को कैल्शियम प्रोटीन सही मात्रा में मिले। लेकिन जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, जैसे एथलीट, स्पोर्ट्स प्लेयर या फिर डेली वर्कआउट करते हैं, उन्हें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। और अगर ये प्रोटीन रोज के खाने से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तो प्रोटीन सप्लीमेंट या पाउडर लेना पड़ता है। और जो लोग वर्कआउट करते हैं उन्हें मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की काफी जरूरत होती है। इसीलिए काफी लोग वर्कआउट के साथ प्रोटीन शेक या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। लेकिन वर्कआउट करने वालों को प्रोटीन पाउडर कब लेना चाहिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप कौन से टाइम पे क्या खाते हैं वो आपके बॉडी के लिए जरूरी होता है। इसीलिए हमारे रोज के खाने में भी एक टाइम ये सब फॉलो करना चाहिए। और इसी तरह प्रोटीन शेक वर्कआउट से पहले पीना चाहिए या बाद में पीना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेकमेंडेड डेली अलाउंस के अनुसार हमारे बॉडी को 0.36 ग्राम्स की प्रोटीन की जरूरत होती है। और जो लोग रोज वर्कआउट करते हैं उनके लिए कम से कम 0.72 ग्राम्स पर पाउंड प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए वर्कआउट करने वालों को नॉर्मल लेवल से दो गुना ज्यादा प्रोटीन लेना होता है। वर्कआउट के बाद स्नैक्स खाने से अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन शेक लेना, क्योंकि प्रोटीन पाउडर के एक स्पून में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। इसीलिए काफी लोग प्रोटीन शेक वर्कआउट के 30 मिनट बाद पीना सही समझते हैं, क्योंकि तभी मसल्स स्पॉन्ज जैसे होते हैं जिस कारण वो प्रोटीन जल्दी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस बात पे रिसर्च किया गया कि रियल में प्रोटीन शेक वर्कआउट के बाद पीना चाहिए। रिसर्च के दौरान कुछ लोगों को प्रोटीन शेक वर्कआउट से पहले दिया था और कुछ को बाद में दिया था, लेकिन इस रिसर्च से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जिन लोगों ने पहले प्रोटीन शेक पिया और बाद में पिया, उनके मसल स्ट्रेंथ और साइज सेम ही थे। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि आप प्रोटीन शेक वर्कआउट के पहले पिए या बाद में, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी भी एक्सरसाइज के 30 मिनट बाद प्रोटीन शेक पीने से ज्यादा फायदे होंगे। तो ये थी जानकारी प्रोटीन शेक वर्कआउट से पहले पीना चाहिए या बाद में पीना चाहिए उसके बारे में। मसल्स की ग्रोथ के लिए बाकी विटामिन कैल्शियम के साथ प्रोटीन की भी जरूरत उतनी ही होती है। और प्रोटीन सिर्फ खाने में से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, इसीलिए वर्कआउट करने के 30 मिनट बाद प्रोटीन शेक पीना अच्छा होता है। अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।